हेलो एवरीवन, आज हम NX 200 में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है ये वाला स्क्रू। ये स्क्रू जो काफ़ी समय बाद ये स्क्रू जो बाहर निकल आता है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले है मैं ये बट स्टॉक से जो बॉडी है ना इसको सेपरेट कर लेता हूँ। पहले इसके लिए आपको ये स्क्रू का खोलने का जरूरत नहीं है, ये वाला को आपको खोलना पड़ेगा, ये जो है ये वाला, और जो साइड में है ना ये और इस तरह वाला, ये दोनों को खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये बॉडी को सेपरेट करेंगे। तो इसे खोलने के लिए, ये वाला इसे खोलने के लिए हम एलन की का यूज़ करेंगे। ये देखो इसमें हर साइज का लिंक ही मिलता है, तपरिया का है। ये इसको खोलने का जरूरत नहीं है, ये खोलने से हो जाता है। और फिर ये दोनों को खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हो गया, ये दूसरा साइड को भी खोलेंगे, ये वाला सेकेंड नॉट खोल गया। अब हम बॉडी से इस तो बॉडी को अलग करेंगे। तो मेन स्क्रू ये कैसे फिक्स करना है, क्योंकि ये बार बार आप ये लूज होके बाहर बाहर तरफ आते हैं। ये स्क्रू को कैसे फिक्स करना है आपको हम बताएंगे आज। ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको एक स्क्रू है एक्चुअली। आप इसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद एक छोटा सा एलन की लेके इसको भी क्लॉकवाइज में घुमाना है, ताकि ये टाइट होने के बाद ये जो इसे यहाँ से लॉक करता है बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, तो आपका ये जो नोट जो है लूज नहीं होगा। फिर चलिए इसको भी मैं करके देखा था आपको, इसे खोलना है। ये इसको खोल लिया, ये जो मेन स्क्रू है ये बार बार लूज हो गया था। इसका ट्रेड देखिए, ट्रेड तो ठीक है, तो ट्रेड अभी तक ठीक है। इसको भी साइड में रखते हैं। ये देखिए सारा केल ये छोटा वाला नोट का है, जो मेन स्क्रू है इसे हम यहाँ से टाइट करेंगे फुल्ली। और जो ये इसे एलन की का एलन की से इसको टाइट कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे ये जो नोट जो है जब देख पा रहे हैं ना, जब ये टाइट वाला करेंगे ये वाला यहाँ से लॉक करेंगे, जो बड़ा वाला स्क्रू है ना उसे लॉक करेंगे। यहाँ से जो मेन स्क्रू है ये वाला इसे ये लॉक करते हैं, ये वाला। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं, ये जो मेन स्क्रू है आप जब इसको फुली टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा डेंट बनाएगा यहाँ पे, ताकि जब आप छोटा वाला स्क्रू टाइट करेंगे तो वो जो स्क्रू जो यहाँ पे लॉक करके बैठेगा, ताकि तो आपका ये स्क्रू जो बाहर नहीं निकलेगा। चलिए हम इससे यहाँ पे थोड़ा सा पेन बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने लॉक बना लिया, तो अभी यहाँ पे मैंने ये डेंट बनाया ना। चलिए अब वापस इसे अभी असेंबल करते हैं। से आप बना सकते हैं यहाँ से, देर इट इज, बढ़िया से लग गया। और आपको अभी मेन स्क्रू है ये वाला इसे वापस लगा लेना है। दोस्तों ये अलाइन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से हम जब एलन की से यहाँ से टाइट करेंगे ना, तो जो मेन स्क्रू में हमने डेंट बनाया था यहाँ पे ये वाला, ये अलाइन होना बहुत जरूरी है ये वाला। अब हम इसे यहाँ से टाइट करेंगे ये स्क्रू यहाँ से, अभी एलन की से टाइट करेंगे इसे।
ये देखिए, यह अभी अच्छी तरह से लॉक हो गया है। यह अभी इसको अभी कभी लूज नहीं होगा, परमानेंट सेट कर दिया। और अगर आप इस आपको अगर ये वापस खोलना है तो पहले आपको ये से खोलना होगा, पहले आपको यहाँ से खोलना होगा, फिर जाके आपको ये मेन मेन स्क्रू को खोलना है, फिर आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसे असेंबल करेंगे। ये टाइट हो गया, इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं, काफी टाइट है। और फिर वापस कुछ टाइट हो गया, अभी ये दोबारा नहीं निकलेगा। देखिए ये नोट यहाँ से निकलते निकलते इसे ये भी घिस गया, ये नोट यहाँ से ये निकलेगा। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।